लोग ऐसे ही आने वाले हैं. So let's just give you an overview of what this rebellion actually looks like in terms of the number of people who've resigned and are pretty much on their way out from the Mamata fold. Shubhendu Adhikari is the most prominent. He's a founding member of the Trinamool, old confidant of Mamata, mass leader, MLA. He's quit and he's headed out. Where to? We don't know yet. That's a big mystery. Jitendra Tiwari is an MLA who has threatened to resign. He's been called for a meeting with Mamata tomorrow. Sunil Mondol is an MP who has criticized the party publicly. Colonel Deepthangshu Chaudhary, like we just said, attended that rebels meeting, has resigned as chairman of the South Bengal State Transport Corporation. So these are the four prominent faces who've either quit or are signaling their intention to get out of the Trinamool. But at this point of time, we are not clear where they are actually going to be headed. We have with us live now, Jitendra Tiwari, who is a rebel MLA of the Trinamool, live with us from West Bengal. Mr. Tiwari, could you give us the reasons? Kis karan aap Trinamool Congress chhodna chahte hain? दो घंटे पहले आसनसोल नगर निगम के प्रशासक पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि आसनसोल में काम करने का माहौल नहीं था और काम करने के लिए जिन रिसोर्स की जरूरत थी वो सरकार नहीं दे रही थी. इसके ठीक आधे घंटे के अंदर मेरा जो विधायक का कार्यालय है, कलकत्ता के नेताओं के निर्देश पर उस कार्यालय पर कब्जा कर लिया गया, वहां तोड़फोड़ की गई और जिसका विधायक कार्यालय से मैं जनता की सेवा करता था, उनकी बातें सुनता था जी, उस कार्यालय को अपने कब्जे में ले लिया गया कलकत्ता के नेताओं के कहने पर कुछ एंटी सोशल्स के द्वारा. तो एक तरफ मुझे बातचीत के लिए बुलाया जाता है, दूसरी विधायक के कार्यालय पर कब्जा किया जाता है एंटी सोशल्स के द्वारा. और मैं तो एंटी सोशल्स के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, मैं तो स्वस्थ राजनीति में विश्वास करता हूँ. स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगने लगा कि ये पार्टी शायद नहीं चाहती कि मैं इनके साथ काम करूं, तो मैंने जिला सभापति और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से अभी रिजाइन कर दिया. जितेंद्र जी, क्या आप तृणमूल कांग्रेस से भी रिजाइन करने वाले हैं आगे? जी जी, अभी मैंने तृणमूल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया. ममता बनर्जी आपसे मिलना चाहती हैं, क्या आप उनसे मिलेंगे अभी? मैं मिलने वाला ही था, कल मिलने के लिए समय मांगा था, उन्होंने समय दिया भी था, लेकिन उसके पहले तरफ दीदी मिलना चाहेंगी और दूसरे तरफ उनके जो दूसरे कलकत्ता में नेता हैं वो असामाजिक तत्वों को भेजकर मेरा ऑफिस छीन लेंगे, मेरे ऑफिस कब्जा ले लेंगे जहां से मैं जनता का काम करता हूं, तो फिर इस मिलने का क्या औचित्य रह जाता है? तो फिर मेरे पास इंडिकेशन क्लियर है कि वो नहीं चाहते कि मैं उनके साथ काम करूं. तो जो कोई नहीं चाहता कि मैं उनके साथ काम करूं, उनके साथ रह के क्या लाभ? तो आपका बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है तृणमूल से जितेंद्र जी? बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? आपने बताया कि आपके एमएलए लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स थे मिनिस्टरशिप से, लेकिन बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बंगाल का सबसे बड़ा नगर निगम है इन टर्म्स ऑफ एरिया, लेकिन एवं सेकेंड रेवेन्यू जनरेटिंग ये सिटी है, लेकिन जब फंड एलोकेशन होता है तो उस समय इस शहर को वंचित रखा जाता है, यहाँ नहीं दिया जाता, जिससे यहाँ का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो पाता है. उसके साथ साथ केंद्र की जो योजनाएं हैं उसको भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करने दिया जाता है, जिससे कि यहाँ की जनता वंचित रह जाए. ये मुद्दों को मैंने मंत्री के सामने उठाया था कि मेरे शहर के साथ ऐसा न किया जाए, आसनसोल के साथ ऐसा न किया जाए. जितेंद्र जी, कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो समस्या है जो आप बोल रहे हैं, ये सब उसका समाधान पार्टी के अंदर हो सकता था, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं अभी, इसका इंडिकेशन ये है कि शायद आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और इसलिए आप थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं ये प्रॉब्लम्स और एम्पलीफाई कर रहे हैं. नहीं, मेरी बात को छोड़ दें, मेरे अस्तित्व को भी आप स्वीकार ना करें, लेकिन आसनसोल शहर की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के लिए आप क्या करने वाले हैं, ये तो उनको क्लियर बोलना चाहिए जनता के सामने. मैं जो बातें कह रहा हूँ, यदि जो बातें मैं कह रहा हूँ, जो मुद्दे मैं उठा रहा हूँ, वो जो मुद्दे यदि असत्य हैं, तो जनता के सामने लाएं कि उन्होंने आसनसोल के लिए क्या क्या दिया है. किसी व्यक्ति को दोषारोप करके इस एक शहर के साथ तो आप अन्याय नहीं कर सकते. ठीक है जितेंद्र जी, आपका अगला कदम क्या है? क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, हाँ या ना? अगला कदम मैंने जनता पर छोड़ दिया है, जनता जो चाहेगी वही करूंगा. क्या आप बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? अगला कदम मैंने जनता पर छोड़ दिया है, जनता पब्लिक जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, जिन जो मेरे राजनीतिक जो कर्मकांड है उसमें मेरा साथ देते हैं, समय समय पर मुझे परामर्श देते हैं, उन पर मैंने छोड़ दिया है. वो जो निर्णय लेंगे
वो जो परामर्श मुझे देंगे वही मैं मानूंगा। जितेंद्र जी, शुभेंदु अधिकारी जो आपका पार्टी के फॉर्मर मेंबर थे वो भी रिजाइन कर चुके हैं तृणमूल से, एमएलए के पद से भी उन्होंने इस्तीफा दे दी है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा तृणमूल पे आपके आपके पर्सपेक्टिव से? देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी के बाद शुभेंदु अधिकारी बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं, बहुत ही जनप्रिय हैं, तो उनकी लोकप्रियता को यदि तृणमूल कांग्रेस अपने साथ रख पाती तो ये तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छा होता। वैसे लोकप्रिय नेताओं को दल से बाहर जाने का परिस्थिति तैयार किया गया, ये तृणमूल कांग्रेस के लिए हानिकारक है। जितेंद्र जी, आप आखिरी सवाल, आप दल से बाहर आ गए हैं, शुभेंदु अधिकारी भी दल से बाहर आ गए हैं, कुछ और लोगों के नाम भी चल रहे हैं अभी, जैसे दीप्तांशु चौधरी और राजीव बैनर्जी, ऐसे कुछ नाम चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो आने वाला चुनाव है, क्या आपको लगता है कि बीजेपी ममता बैनर्जी और तृणमूल को हरा सकता है? देखिए, ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है, जनता क्या चाहती है, जनता का भरोसा जो जीत पाएगा जनता उसे ही चुनाव में विजयी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी यदि यहाँ के जनता का जो विश्वास है वो जीत पाती है तो वो जीतेंगे, तृणमूल कांग्रेस यदि जनता का विश्वास तृणमूल कांग्रेस जीतेगी, क्या होने वाला है ये अभी प्रेडिक्ट करना कठिन है। लास्ट क्वेश्चन जितेंद्र जी, ममता बनर्जी का आरोप ये है कि बीजेपी पैसे दे के एमएलए, लीडर्स, मिनिस्टर्स, तृणमूल के जो है जो वरिष्ठ नेता है उनको पोच करना चाहती है। देखिए, हम लोग आज तक ममता बनर्जी जिंदाबाद करते हुए राजनीति करने आए हैं, तो आज अचानक जब मैं दल से अलग हुआ हूं उसके आधे घंटे के अंदर ही मैं उनकी बात पर टिप्पणी करूं, यह ठीक नहीं। क्या क्या आपकी बात हुई है बीजेपी से, किसी से भी? बीजेपी से मेरी कोई बात नहीं हुई। ओके, जितेंद्र तिवारी देयर, हु इज वन ऑफ द रेबल्स हु हैज क्विट फ्रॉम द तृणमूल। थैंक यू जितेंद्र तिवारी फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। ही सेज he's going to leave it up to the, you know, the people of Bengal. That's a safe answer that, you know, politicians in transition